सभी को नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीलम और मेरी किचन शाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे नारियल के लड्डू। ये नारियल के लड्डू एकदम सॉफ्ट और जूसी हैं और सिर्फ 10 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं और खाने में तो बस पूछिए मत, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। नारियल लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है ये डेसिकेटेड नारियल, इसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। ये मैंने 3 कप लिया है और वेट में ये 200 ग्राम है। इस वाले कप से नाप के लिया है, आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लें और सारे नाप उसी से लें। फिर अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल लेते हैं 2 चम्मच घी। ये नारियल लड्डू बनाने में ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि नारियल में अपना ही ऑयल होता है, बस 2 चम्मच घी काफ़ी है इसके लिए। घी को थोड़ा मेल्ट होने देते हैं और अब इसमें ये नारियल का बुरादा हम डाल देंगे। इसको कर लेते हैं घी के साथ मिक्स और 2-3 मिनट तक ऐसे ही चला देंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे, लड्डू बनाने का सारा प्रोसेस हम लो फ्लेम पर ही करेंगे। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये नीचे से जलना शुरू हो जाएगा, फिर इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा और फिर सारे लड्डू ख़राब हो जाएंगे। तो गलती से भी फ्लेम को हाई ना करें, लो फ्लेम पे ही इसे पकाएं। इसमें ऐसा कुछ खास पकाने वाली चीज़ नहीं, सारी चीज़ इसमें पकी हुई है। बस 2-3 मिनट इसको चला लेंगे, ये घी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हल्का हल्का इसका 2-3 मिनट में ही कलर चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कलर हम इसका चेंज नहीं करेंगे। और ये देखिए, इसको मैंने 2-3 मिनट चला लिया है, घी के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है और पहले से इसका हल्का कलर भी चेंज होगा, अब हल्का हल्का क्रीम कलर हो गया है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध मैंने 1.5 कप लिया है, 3 कप नारियल का बुरादा है और 1.5 कप मैंने दूध लिया है। इसको कर देते हैं मिक्स, दूध के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, सारा दूध अब्जॉर्ब हो चुका है। अभी आपको ये थोड़ा सूखा लग रहा होगा लेकिन जैसे जैसे नारियल पकेगा तो नारियल अपना ऑयल रिलीज करेगा और फिर ये बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर हमारा लास्ट तक बन जाएगा। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। यहाँ मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ। 3 कप नारियल के बुरादे में आप 1 कप चीनी डाल लेना, बिल्कुल परफेक्ट मीठा बनेगा। थोड़ी देर में चीनी भी हमारी मेल्ट हो जाएगी और चीनी भी अपना मॉइस्चर रिलीज कर देगी, फिर ये सूखा नहीं रहेगा उसके बाद। और अब देखिए दोस्तों, चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और अब ये पहले जितना सूखा नहीं रहा है। जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर बन जाएगा और जब भी हम बर्फी पेड़े बनाएं, लड्डू बनाएं, तो ज़्यादा लिक्विडी मिक्सचर हमने नहीं बनाना होता। और अब देखिए दोस्तों, ये काफ़ी चिकना हो गया है, स्मूथ बन गया बिल्कुल। इसका थोड़ा और टेस्ट बढ़ा देते हैं। मैं इसमें यहाँ 1/2 कप मिल्क पाउडर डाल देती हूँ। मिल्क पाउडर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, घर में हो तो डाल लीजिए नहीं तो रहने दीजिए। मिल्क पाउडर डालने से इसमें मावे जैसा टेस्ट आएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा मिल्क पाउडर नहीं डालना है। कहीं आप ज़्यादा टेस्ट बनाने के चक्कर में ज़्यादा मिल्क पाउडर डाल दो। अगर ज़्यादा मिल्क पाउडर डालेंगे तो भी ये दांतों में चिपकेंगे। 1/2 कप से ज़्यादा नहीं डालना है और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। ये नारियल लड्डू बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 10 मिनट में ये सारा मिक्सचर बन के तैयार हो जाता है। और ये देखिए, मिक्सचर हमारा बन के तैयार है। इसको कोल्ड कर लेते हैं और फिर इसको मैं एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लूँगी। और ये मिक्सचर हमारा पहले से काफ़ी ठंडा हो गया है, हल्का हल्का गर्म है, इतना गर्म है कि हम इसे हाथ से छू सकें, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना होता। अब इसके लड्डू बनाएंगे। जितने बड़े या छोटे लड्डू बनाना चाहें उतना मिक्सचर हाथ में लेंगे और इस तरह से दबा लेंगे और फिर दोनों हाथों में इस तरह गोल गोल घुमा दें। आपके बड़े हाथ हों तो दोनों हाथों से भी बना सकते हैं, मेरे हाथ छोटे हैं तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। इस तरह गोल गोल घुमा के गोल लड्डू हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब इसको इस नारियल के बुरादे से कोट कर देंगे। ये वही नारियल का बुरादा जिससे हमने लड्डू बनाए हैं, लेकिन ऐसा करने से लड्डू देखने में भी काफ़ी सुंदर लगेंगे और इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये देखिए, लड्डू हमारा तैयार है। इस तरह से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं, एक ये लास्ट वाला छोटा बचा है। आपने देखा होगा ना, तभी कुछ बनाते हैं लास्ट में एक छोटा बच ही जाता है और छोटे बच्चे उसको बड़े चाव से खाते हैं।
इसको देखिए नारियल में मैंने कोट कर दिया है और ये छोटे वाला लड्डू भी हमारा बनके तैयार है। इतने मिक्सचर में मेरे 13 लड्डू बने हैं। इस तरह से आप भी रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखना। ये नारियल लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और 10 मिनट में बन जाते हैं, झटपट ये बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी ये लड्डू हैं। एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ और ये देखिए है ना, बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल अंदर से जूसी लड्डू। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी उत्साह बढ़ाता है और काम करने का मन करता है। और इसी तरह की इजी और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल वाला आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।